होल्डिंग पोजीशन होती है फाइटिंग में, या तो कोई आपका हाथ क्रॉस में पकड़ सकता है, ओके, इस साइड से क्रॉस में पकड़ सकता है। तीसरी जो पोजीशन है वो ये वाली हो सकती है, एंड फोर्थ जो है वो ये वाली आपकी पोजीशन हो सकती है और ये वाली पोजीशन हो सकती है। अब हम इसे वन बाय वन सीखेंगे। तो पहली जो पोजीशन मैंने ये वाली हमने डिस्कस की थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप सिंपली अपना जो हाथ है उसे अप कर लेंगे, ओके, एंड देन स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स हिम। सबसे बेस्ट जो डिफेंस है वो तो यही है आपका कि जैसे किसी ने हाथ आपको पकड़ा है और आपको क्या करना है, खुद को छुड़ाना है। तो आपको अगर कोई लॉक नहीं आता है तो सीधे इसको लेके इस साइड को करके हाथ, और फिर थोड़ा पीछे जाओ। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका वो पैर टारगेट करेंगे, दूसरा पैर हम उसका टारगेट करेंगे और उसी की तरफ भागना शुरू करेंगे, ओके, एंड जैसे ही हमें ये जगह मिलती है वी विल पुल और पुश करके आप लोग भाग सकते हैं। दूसरा, अगर लॉक की सिचुएशन है, लॉक सीखना आपको, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं इसे लॉक करने की कोशिश करूँगा ये इसे खोल देगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसे टैप कर लेना है। अब ये वापस नहीं जाएगा और इसको अपनी बॉडी की तरफ मूव करके करना है, ध्यान रखना इसे क्या करना है, अपनी बॉडी की तरफ मूव करना। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि वो जो दूसरा हाथ है उसका क्या होगा, तो ये बहुत हमें तेज़ी से करना है। जैसे ये हुआ तो हमें इसे अपनी तरफ को खींचा, और बचने का तरीका ये है कि आपको इसे अप कर लेना है। आपने क्या किया, इसे अप किया, अप करने के बाद इस साइड को मुड़ जाइए और यहाँ फिंगर डालने की कोशिश कीजिए, दूसरे को पेन होगा उसे डाउन, ये आपकी कंट्रोलिंग पोजीशन है। अब यहाँ से आप इसे हिट कर सकते हैं यहाँ, ओके, और अगर आपको पूरा ग्राउंड पर लाना है तो आप फिर से ग्राउंड पर भी ला सकते हैं। अगर आप यहाँ से फिगर फोर, अगर आपको आता है तो फिगर फोर में आप जा सकते हैं सिंपली, ये आपका लॉक है। तो पहली पोजीशन कौन सी हुई, फर्स्ट पोजीशन है ये वाली, यहाँ मैंने अप किया, जैसे उसमें हिट करो वहाँ से, ओ ये देखो अब वो हिट भी नहीं करेगा क्योंकि उसका उसके हाथ में पेन हो रहा होगा, देखो ठीक है। ये आ जाओ, ये पोजीशन दिखाओ, पास आके देखो, ये जो है मैं यहाँ था, इसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, टैप किया, अप कर दिया, ओके, फ्रॉम हियर ये लॉक की पोजीशन है। जैसे ही मैंने फिंगर इधर को किया, देखो अपने आप डाउन चला जाएगा, अगर वो डाउन जा रहा है देन आई कैन किक एंड देन व्हाटएवर आई वांट टू डू, जो भी मुझे करना है मैं ये कर सकता हूँ। सो अगर हम रेगुलर स्पीड में कर रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे और किसी ने क्या किया, हाथ होल्ड कर दिया, तो ये देखो दूसरे हाथ को चांस भी नहीं मिलेगा, दूसरे हाथ को चांस नहीं देना आने का, वो ये दिस इज सीधे डाउन चला जाएगा आदमी, जैसे प्रेस होगा ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत स्लो में प्रैक्टिस करो, एक दो बार बस दूसरे को ये समझाने के लिए कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दूसरे को पेन हो रहा है तो हाथ से टैप कर देगा, जिसे पता चलेगा कि लॉक करेक्ट है, यहाँ से किया है, यस। अब अगर उसे पेन होता है तो टैप करेगा, इस साइड देखो, इस साइड से हाथ क्या करना है वो टैप कर लेगा, ओके, यहाँ पे क्या करना है उसे, जैसे मैं उसे पेन होता है वो टैप कर लेगा तो पता चल जाएगा। अब जैसे मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, मैंने होल्ड किया यहाँ, तो क्या करेगा, इस साइड से इसको टैप करो, यस, होल्ड करेगा, एंड जैसे ये होल्ड कर रहा है तो पेन हो रहा है तो मैं यहाँ टैप करूँगा, ओके, कहीं भी आप टैप करो इसमें या इसमें, दूसरे को बताने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट लॉक है, वन, दिस इज वन। अब यहाँ तक मैंने ये केस हो सकता है कि यहाँ तक मैंने डिसाइड नहीं किया अभी फाइटिंग का, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब अगर आप प्रॉपर क्लासेस सीख रहे हो, प्रॉपर क्लासेस ले रहे हो मार्शल आर्ट की, तो हम एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि एक लॉक फेल हो सकता है किसी कारण से। तो मैंने आपको दो तीन ऑप्शन बताए फर्स्ट लॉक के। पहला ऑप्शन क्या था, ये आपका है, आपको कुछ नहीं आता, सीधे इसको होल्ड करके इस हाथ को यहीं दबा के आगे चले जाइए, ये वाला जो है आपका दूसरा पैर, इस पैर को दबा दीजिए और खींच दीजिए आगे को, पुश करके चले जाइए। दूसरा तरीका है, आपके दिमाग में कोई टेक्निक नहीं है, होल्ड कीजिए, सीधे आगे चले जाइए, आपका पैर जो अंदर की साइड होगा इसे लॉक कर लीजिए, लॉक करते ही आप इसे पुश करेंगे, यू विल गो ऑन ग्राउंड, पुश कर दीजिए, घर भाग सकते हैं। तीसरा ये है, उसने होल्ड किया, उसका ये लेग आगे है, ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे चेंज कीजिए, हिट,
दिस साइड, यहाँ आपको हिट कर लेना है एंड देन ये जो आपकी एल्बो है एल्बो को खींचिए, हिट कर दीजिए एंड देन थ्रो हिम, गो होम। नेक्स्ट पोजीशन क्या है आपकी, यहाँ पे जैसे ही उसने होल्ड किया आप इसको टैप कर सकते हैं और जैसे अगर वो मार रहा है तो आप अप कर दीजिए, इसको होल्ड कर लीजिए, जैसे होल्ड होगा गो डाउन, हिट, थ्रो हिम एंड गो होम। तो इतनी चीज़ें आपकी क्या है आप लोग कर सकते हैं। तो स्लो में मैंने कौन कौन सी चीज़ें एक बार फिर से बता देता हूँ, होल्ड किया है, पुश किया है, अगर मेरा ये वाला पैर आगे है तो मैं इस वाले पैर से खींच लूँगा, ये वाला पैर आगे चला गया गलती से इस वाले पैर से खींच लूँगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन होल्ड किया, हिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेन होता है। यूजुअली स्ट्रीट में हमने कुछ ना कुछ पहना होता है तो हमें कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको यहाँ से हिट कर लेना है। इसके लिए हम लोग ये वाली किकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो समबडी होल्ड, आई टैप, आई हिट हियर, देन पुश, उसके बाद था होल्ड एंड लॉक, कोई हिट कर रहा है ऊपर उठा दो, जैसे आप इसे होल्ड करेंगे वो अपने आप डाउन चला जाएगा एंड दिस पुश एंड हिट। सो होपफुली कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस साइड का है डिफेंस उसके बारे में बात करेंगे, वैसे इस साइड का जो है सेम डिफेंस है। ओके, हम सेकंड वीडियो में कवर करने वाले हैं दोनों हाथों से अगर कोई पकड़ता है तो क्या करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, सी यू सून।